हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम क्या है और पाइथन में आप इंसर्शन शॉर्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंसर्शन शॉर्ट इज अनदर शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट कैन अरेंज एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंसर्शन शॉर्ट एक शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसकी हेल्प से आप किसी भी सिक्वेंस के एलिमेंट को, लिस्ट या एरे के एलिमेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। राइट, ओके। सिलेक्शन शॉर्ट, आपने प्रीवियस वीडियो में सिलेक्शन शॉर्ट किया था। इन इंसर्शन शॉर्ट ऑल्सो द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सिलेक्शन शॉर्ट की तरह ही इंसर्शन शॉर्ट में भी लिस्ट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन ऑफ शॉर्टेड एलिमेंट्स, एक लिस्ट क्या होती है शॉर्टेड एलिमेंट्स की, एंड अनदर ऑफ अनशॉर्टेड एलिमेंट्स, एंड दूसरी लिस्ट होती है अनशॉर्टेड एलिमेंट्स की। राइट, तो यहाँ पे एक छोटा सा, मैं देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक छोटी सी लिस्ट हम यहाँ पे बना लेंगे, जैसे ये मेरी है, ये एलिमेंट हो गया मेरा 25। राइट, दिस इज माई 25, ये मैंने ले लिया 17, दिस इज माई 31 एंड दिस इज माई 13। ओके, लेटर ऑन मैं इसको कम्प्लीटली आपको समझाऊंगी, अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। राइट, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 25, देन 17, 31, 13 एंड 2। ओके, तो जो 25 है वो 0 इंडेक्स पे है, 17 1 इंडेक्स पे है, 31 2 इंडेक्स पे है, 13 आपका 3 इंडेक्स पे है एंड 2 आपका 4 इंडेक्स पर है। राइट, तो आपका इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। द फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट्स विद कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द जीरोथ एलिमेंट। तो यहाँ पे ये कैसे स्टार्ट करेगा, ये कैसे वर्क करेगा, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है, मींस ओके, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेगा। ओके, जो फर्स्ट इटरेशन होगा उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेगा। अब यहां पे आप ये देखोगे कि आपको लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मान लो हम लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो यहां पे क्या कंपैरिजन होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो 25 से स्मॉलर है। राइट, क्या वो 25 से छोटा है, अगर वो छोटा है तो क्या होगा, 17 जीरोथ इंडेक्स पे चला जाएगा और 25 शिफ्ट होके 1 इंडेक्स पे चला जाएगा इस कंपैरिजन के अंदर। फाइन, ओके, इन द सेकेंड इटरेशन सेकेंड एलिमेंट इज कम्पेयर्ड विद द जीरोथ एंड फर्स्ट एलिमेंट। जो सेकेंड इटरेशन होगा लिस्ट का उसमें क्या होगा, जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, ओके, दैट इज 31, वो कंपेयर करेगा अपने आप को फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट्स के साथ एंड जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ। राइट, फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, तो देखो फर्स्ट इंडेक्स पे 25 है, ये अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, एंड जीरोथ इंडेक्स पे 17 है तब भी अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड इंडेक्स वाला है वो फर्स्ट के साथ भी कंपेयर करेगा, सेकेंड के साथ भी कंपेयर करेगा। राइट, इन जनरल इन एवरी इटरेशन एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद ऑल द एलिमेंट्स बिफोर। तो जहां इस एल्गोरिथम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, वो क्या करेंगे, उनके बिफोर जितने एलिमेंट हैं, मतलब उनके आगे जितने एलिमेंट हैं उन सबके साथ वो कंपैरिजन करेंगे और एक एप्रोप्रिएट जगह पे अपने आप को शिफ्ट कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसने जीरो इंडेक्स वाले के साथ कंपेयर किया, फिर सेकेंड इंडेक्स वाले ने फर्स्ट के साथ भी कंपेयर किया, जीरो इंडेक्स वाले के साथ भी कंपेयर किया, अब थर्ड इंडेक्स वाला सेकेंड इंडेक्स वाले से भी कंपेयर करेगा, फर्स्ट से भी एंड जीरो इंडेक्स वाले से भी कंपेयर करेगा। राइट, एंड फोर्थ इंडेक्स वाला भी ऐसे करेगा, थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट से भी कंपेयर करेगा, टू इंडेक्स वाले से भी कंपेयर करेगा, वन से भी एंड जीरो वाले से भी कंपेयर करेगा। राइट, ओके, ईच एलिमेंट इन द अनशॉर्टेड लिस्ट इज कंसीडर्ड वन बाय वन एंड इज इंसर्टेड इनटू द शॉर्टेड लिस्ट एट इट्स एप्रोप्रिएट पोजीशन। अभी क्या कहा जा रहा है कि जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उनको अनशॉर्टेड लिस्ट कंसीडर किया जा रहा है, जो और जो एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो रहे हैं उनको शॉर्टेड एलिमेंट्स कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी अनशॉर्टेड एलिमेंट्स हैं वो शॉर्टेड एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, और अगर कंपैरिजन में वो उनको एक एप्रोप्रिएट पोजीशन मिलती है शॉर्टेड लिस्ट में, तो वहाँ जाके वो फिट हो जाएंगे। ठीक है, दिस कंटिन्यूज टिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अनशॉर्टेड लिस्ट आर इंसर्टेड एट एप्रोप्रिएट पोजिशन इन द शॉर्टेड लिस्ट। तो ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक कि अनशॉर्टेड लिस्ट के सारे एलिमेंट्स जो शॉर्टेड लिस्ट है उसमें एक एप्रोप्रिएट पोजीशन पे जाके फिक्स नहीं हो जाते हैं। ठीक है,
This results into a shorter list in which elements are arranged in ascending or descending order. और इससे क्या होगा, जब ये पूरा process complete हो जाएगा, okay, तो क्या होगा, आपको एक shorter list मिल जाएगी, okay, जिसमें आपके arranged element होंगे, या तो ascending order में arrange होंगे या फिर descending order में arrange होंगे, right? ओके अब देखो इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. ओके हमारे पास यहाँ पे एक अनशॉर्टेड लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स हैं 25, 17, 31, 13 एंड 2. ओके अब यहाँ पे इंडेक्स बना लेते हैं. जीरो इंडेक्स 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है अब जो फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे आपका एलिमेंट है 17, ये कंपेयर किया जाएगा जीरो इंडेक्स के एलिमेंट के साथ. मान लो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं अपनी लिस्ट को. ठीक है हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है क्या वो जीरो इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है. अगर है तो क्या होगा, हम फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को आगे शिफ्ट कर देंगे और फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को जीरो इंडेक्स पर शिफ्ट कर देंगे और जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को आप फर्स्ट जो भी एलिमेंट आया है उसके आफ्टर शिफ्ट कर देंगे. ठीक है तुम यहाँ पे जो 17 था वो तो जीरो इंडेक्स पे आ गया. ठीक है और उसके बाद 25 शिफ्ट हो गया. अब 25 का इंडेक्स क्या हो गया, 1, एंड आपका 31 का 2 हो गया, आपका इसका 13 का 3 हो गया एंड आपका 2 का 4 हो गया. ओके सो फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट इटरेशन में आपका एक एलिमेंट शिफ्ट हो चुका है, राइट. अब हमारा सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगा. सेकंड इटरेशन में आपके पास एक एलिमेंट शिफ्ट होके आ चुका है. सेकंड इटरेशन में क्या होगा, जो आपका सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है 31, राइट, 31 क्या होगा, आपका 1 के साथ कंपेयर होगा एंड आपका जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा. अब 31 25 के साथ कंपेयर होगा, 31 क्या है, बड़ा है 25 से, तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी. फिर 31 आपका जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, यहाँ पे 31 17 से भी बड़ा है तो भी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, राइट. तो यहाँ पे आपके पास देखो 17 25 31 13 2, ये एज इट इज़ लिस्ट आ गई है, राइट. नौ अब आपके पास आपका अब क्या होगा, आपका थर्ड इटरेशन आएगा. ओके थर्ड इटरेशन में क्या होगा, जो आपका थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है दैट इज 13, ठीक है, ये आपका जीरो इंडेक्स का हो गया, ये 1 का, ये 2 का, राइट. 2 तक हम कंपेयर कर चुके हैं, अब 3 वाला, 3 इंडेक्स का एलिमेंट आपका कंपेयर होगा, राइट. ये आपका 3 इंडेक्स का एलिमेंट है, ये पहले 2 के साथ कंपेयर करेगा 31 के साथ, तो ये देखो 13 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके ओके एंड आपका 31 पीछे चला जाएगा, राइट. अब 13 क्या करेगा, 25 के साथ कंपेयर करेगा, राइट. 25 के साथ कंपेयर करेगा तो 13 25 से छोटा है तो 13 आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट. और 25 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा. अब यहाँ पे 25 आ जाएगा, राइट. अब यहाँ पे 25 आ गया. अब 13 क्या करेगा, जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ कंपेरिजन करेगा, राइट. तो 13 क्या है, 17 से स्मॉलर है, छोटा है, तो यहाँ पे 13 शिफ्ट हो जाएगा. ओके और 17 कहाँ चला जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे 17 आ जाएगा, राइट. तो आपके पास अब देखो लिस्ट के आगे 13 17 25 31, राइट. अब क्या होगा, जो फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट है, फोर्थ इटरेशन में जो फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट है दैट इज 2 कंपेयर होगा आपका थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे 2 शिफ्ट हो जाएगा आगे और 31 शिफ्ट हो जाएगा पीछे, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे चला जाएगा. अब 2 कंपेयर होगा 25 के साथ, 25 से क्या ये छोटा है तो 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 25 चला जाएगा पीछे इसके प्लेस पे, तो 25 आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट, आफ्टर द 2. नाउ 2 किससे कंपेयर होगा, 17 के साथ, तो यहाँ पे इस 17 के प्लेस पे 2 आ जाएगा और 17 2 के प्लेस पे चला जाएगा यहाँ पर, राइट. ओके नाउ 2 कंपेयर करेगा जीरो इंडेक्स के एलिमेंट के साथ, अगेन ये इससे छोटा है, स्मॉलर है, तो 2 चला जाएगा जीरो इंडेक्स पे और 13 आपका चला जाएगा इंडेक्स 1 पे, शिफ्ट होते चले जाएंगे ना पीछे पीछे एलिमेंट्स. ओके तो आपके पास देखो यहाँ पे शॉर्टेड, आफ्टर द फोर्थ इटरेशन यू हैव गॉट द शॉर्टेड लिस्ट, राइट. आपको शॉर्टेड लिस्ट मिल गई है 2 13 17 25 31, ये आपकी क्या है, शॉर्टेड लिस्ट है, राइट. और देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी लिस्ट में कितने थे, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स के लिए आपको कितने इटरेशंस चाहिए शॉर्टिंग के लिए, n-1,
ठीक है, n माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स 5 है, तो 5 माइनस वन डेट इज़ 4. तो फोर्थ इटरेशन में आपकी लिस्ट क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी. जिस भी वे में आप, जिस भी ऑर्डर में आप उसको अरेंज करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग जिसमें भी, राइट. ओके, अब हम एग्जाम्पल को समझेंगे कोड की हेल्प से. सबसे पहले आपने यहाँ पे n वेरिएबल लिया है. n वेरिएबल के अंदर हमने लिस्ट की लेंथ ली है, राइट. तो लिस्ट की लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, राइट. तो अगर हम करंट एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी. ओके, अब हमें कहाँ से कहाँ तक इटरेट करना है लिस्ट को, फ्रॉम इंडेक्स वैल्यू 1 टू इंडेक्स वैल्यू n माइनस 1, राइट. ओके, बिकॉज इट इज़ 4, इंडेक्स जो आपका 2 है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4. ओके, तो यहाँ पे आपने 4 लूप का यूज़ किया है, 4 इंडेक्स. इंडेक्स क्या है, हमारा वेरिएबल इन रेंज. तो इंडेक्स जो इंडेक्स वेरिएबल है वो इंडेक्स को एक्सेस करेगा कहाँ से लेकर कहाँ तक, इंडेक्स 1 से लेकर n माइनस 1 तक, ठीक है. तो रेंज, बिकॉज रेंज फंक्शन में क्या होता है, एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज माइनस 1. तो ये आपका जो इंडेक्स वेरिएबल है फोर लूप का, वो कौन से इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स को एक्सेस करेगा, वो इंडेक्स को यहाँ पे लेकर एक्सेस करेगा 1 को, 2 को, 3 को एंड आपके 4 इंडेक्स को, राइट. ओके, अब फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इंडेक्स वेरिएबल 1 इंडेक्स को एक्सेस करेगा, राइट. अब यहाँ पे हमने करंट एलिमेंट को डिफाइन कर दिया है कि आपका करंट एलिमेंट कौन सा है, जो इंडेक्स 1 पर है, ठीक है, लिस्ट के इंडेक्स 1 पर है. तो इंडेक्स 1 पर हमारा 17 है, तो ये हमारा करंट एलिमेंट है. हमने पोजीशन को भी डिफाइन कर दिया, पोजीशन क्या है आपका, 1 है, राइट. इंडेक्स, बिकॉज हमने पोजीशन वेरिएबल के अंदर इंडेक्स को इनिशलाइज कर दिया, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन अभी क्या है, 1 है. ओके, अब इटरेशन के लिए आप फिर से क्या करोगे, लूप लगाओगे, क्योंकि आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को अपने जो आगे के एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करना है. तो अब यहाँ पे हमने लूप का यूज़ किया, वाइल करंट एलिमेंट, अगर आपका करंट एलिमेंट छोटा है किससे, लिस्ट के पोजीशन माइनस 1 इंडेक्स से. पोजीशन माइनस, अभी पोजीशन हमारी क्या है, 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका, 0. ओके, तो जो आपका करंट एलिमेंट है अगर वो 0 इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा है और आपकी पोजीशन क्या है, 0 से बड़ी है, तो पोजीशन हमारी 1 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है और ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई, बिकॉज 17 छोटा है, राइट. 17 25 से छोटा है. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो लिस्ट की जो पोजीशन है 1, राइट, उस पर क्या आ जाए, जो लिस्ट की पोजीशन 1 पे वैल्यू है उसमें, वो उसमें आप क्या इनिशलाइज कर रहे हो, पोजीशन 1 माइनस 1 की वैल्यू, मींस 0 इंडेक्स की वैल्यू, राइट. तो जो आपका जो 1 इंडेक्स था, राइट, 1 इंडेक्स के अंदर आपका 0 इंडेक्स की वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगी. ओके, और 17 आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो 1 इंडेक्स पे आपने 0 इंडेक्स की वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया है. 1 इंडेक्स पे आपने 0 इंडेक्स की वैल्यू को, पोजीशन की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 डेट इज़ 0, इंडेक्स की वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया. अब आपने पोजीशन की वैल्यू क्या कर दी है, यहाँ पे हमारी पोजीशन की वैल्यू होगी 1 माइनस 1 डेट इज़ 0, राइट. 1 माइनस 1 दैट इज़ 0. ओके, अब यहाँ पे देखो कंडीशन आपकी, अगर हम अगेन लूप ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू 0 हो चुकी है. ओके, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, 25 पीछे शिफ्ट हो गया और 17 आगे आ गया, राइट. अब नेक्स्ट यहाँ पे फोर लूप क्या लेगा, इंडेक्स वैल्यू 2 लेगा, राइट. इंडेक्स वैल्यू 2 लेगा, तो यहाँ पे हमारे इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या है, 31 है, ठीक है. इंडेक्स वैल्यू 2, दिस इज योर इंडेक्स वैल्यू 2, आपका 31 है, राइट. 31 है, अब आपका करंट एलिमेंट क्या हो गया, 31, और पोजीशन आपकी क्या हो गई, 2 हो गई, राइट. अब फिर से हम क्या करेंगे, वाइल करंट एलिमेंट इज स्मॉलर देन पोजीशन माइनस 1, तो अभी आपकी करंट पोजीशन क्या है, 2 माइनस 1, तो 1. अब ये 25 के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है. ओके, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई है, फाइन. तो यहाँ पे इनिशलाइजेशन जो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन पे ये शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन आपने यहाँ पे पोजीशन को फिर क्या कर दिया, माइनस 1, पोजीशन को आपने माइनस 1 कर दिया है. अगेन ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा जो आपका एलिमेंट है 2, वो कंपेयर करेगा. अब पोजीशन क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, राइट. 2 माइनस 1, पोजीशन को आपने कर दिया 2 माइनस 1, तो अब आपकी पोजीशन क्या हो गई है, 1 हो गई है, राइट. यहाँ पे पोजीशन आपकी 1 हो गई है, फाइन. अब आपका 31, आप जो पोजीशन है, जो करंट एलिमेंट है 31, वो किसके साथ कंपेयर करेगा, देखो 1 पोजीशन है आपकी, माइनस 1 दैट इज़ 0,
जीरो इंडेक्स के साथ कंपेयर करेगा, यहाँ पे जीरो इंडेक्स के साथ कंपेयर करेगा, ओके। और यहाँ पे अगेन क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे 31 क्या है, 17 से छोटा नहीं है, ओके। अब इन दोनों जो आपने इटरेशन किए हैं, फर्स्ट आपने 25 से कंपेयर किया, फिर आपने 17 से कंपेयर किया है, ओके, तो दोनों में आपकी कंडीशन फॉल्स हुई है, तो आपका जो जो आफ्टर द वाइल लूप स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो करंट एलिमेंट है वो लिस्ट की पोजीशन पे रहेगा। तो अभी जो लिस्ट का पोजीशन है, जो देखो यहाँ पे क्या टू इंडेक्स टू है, ये जो आपका स्टेटमेंट आउट ऑफ द लूप है ना, तो इंडेक्स टू पर ही वो रहेगा, ओके। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इंडेक्स थ्री की वैल्यू लेगा, इंडेक्स जो वेरिएबल है इंडेक्स थ्री की वैल्यू लेगा, दैट इज इंडेक्स थ्री पे आपका क्या है 13, ये आपका इंडेक्स थ्री है, ठीक है, ये इंडेक्स थ्री पे आपका 13 है, राइट। इंडेक्स थ्री में देखो, अब यहाँ पे करंट एलिमेंट आपका 13 हो गया, इसको लिस्ट के, देखो लिस्ट के पोजीशन माइनस वन में यहाँ पे लिख लेती हूँ, ऊपर बहुत हौच पौच हो रहा है, पोजीशन माइनस वन के साथ कंपेयर करेंगे, तो अभी लिस्ट पोजीशन क्या है, थ्री है, थ्री माइनस वन, तो हम इसका कंपेरिजन करेंगे टू इंडेक्स के एलिमेंट के साथ, ये आपका टू इंडेक्स का एलिमेंट ये है, सॉरी टू इंडेक्स का एलिमेंट ये, थोड़ा छोटा सा, इसके साथ कंपेयर करेंगे, यस, यहाँ पे देखो ये इससे छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ये इससे छोटा है, तो अब क्या होगा, लिस्ट की पोजीशन, लिस्ट की पोजीशन देखो, एल आई एस टी लिस्ट, ओके, लिस्ट की पोजीशन पर, अभी पोजीशन क्या है आपकी, लिस्ट की पोजीशन है आपकी थ्री, राइट, लिस्ट की थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाए, लिस्ट की, एक सेकंड मैं इसको टाइप कर दूँ, लिस्ट की पोजीशन, पोजीशन माइनस वन, ठीक है। तो अभी देखो लिस्ट की करंट पोजीशन क्या है, थ्री, जो आपका लिस्ट का एलिमेंट था उसकी पोजीशन क्या थी, थ्री, राइट। अब थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाए, लिस्ट की पोजीशन थ्री माइनस वन, दैट इज टू, टू, ओके। तो जो सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट था वो कहाँ पे चला जाएगा, थ्री पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने थर्ड पोजीशन पे सेकेंड वाला एलिमेंट इनिशलाइज कर दिया और थर्टीन वाला आपका टू पे चला जाएगा, ओके। फिर क्या होगा, आपका पोजीशन माइनस वन हो गया, पोजीशन माइनस वन हुआ, तो अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे पोजीशन माइनस वन, तो अब आपकी देखो यहाँ पे जो आपका करंट एलिमेंट है 13, ठीक है, अब वो किससे कंपेयर होगा, अब वो वन वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा, पोजीशन माइनस वन, आपकी पोजीशन क्या थी, यहाँ पे करंट पोजीशन क्या थी आपकी, थ्री थी ना, ठीक है, तो थ्री माइनस वन हुआ था तो टू से कंपेयर हुआ, अब टू माइनस वन होगा तो वन से कंपेयर होगा, ठीक है, जो आपका 13 है वो वन वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, मीन्स 25 के साथ कंपेयर होगा, राइट, 25 के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ पे देखो अब पोजीशन क्या है आपकी, यहाँ पे पोजीशन है टू, थ्री की जगह आपकी पोजीशन क्या है टू, राइट, अब पोजीशन माइनस वन, तो यहाँ पे टू माइनस वन डेट इज़ वन, राइट, तो जो टू वाला था, टू इंडेक्स वाला था आपका एलिमेंट, राइट, टू इंडेक्स पे आपका क्या आ चुका था, 13 आ चुका था, टू इंडेक्स पे आपका 13 आ चुका था, राइट, तो टू वाले इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे आपका क्या चला जाएगा, वन वाला चला जाएगा, तो 25 13 पे चला जाएगा, 13 आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, ऐसे ही 17 के लिए होगा। अब पोजीशन माइनस वन हो गया, तो नेक्स्ट पोजीशन आपकी क्या हो गई, आपकी नेक्स्ट पोजीशन हो गई जीरो, वन माइनस वन जीरो, ठीक है, तो नेक्स्ट पोजीशन आपकी जीरो हो गई, आप कंपेयर करोगे जीरो एलिमेंट के साथ, जीरो एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, ऑब्वियसली 13 छोटा है जीरो से, ओके, 13 आपका स्मॉल है तो नीचे जाएगा। अब आपकी पोजीशन यहाँ पे क्या है, पोजीशन आपकी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहले 3 माइनस वन हुआ था फिर 2 माइनस, अब यहाँ पे आपकी पोजीशन हो गई 1, ठीक है, 1 पोजीशन आपकी 1 है, और 1 वाले पोजीशन, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो जो 1 पोजीशन है उस पे 0 वाला एलिमेंट चला जाए और 0 वाला एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अभी 0 वाले एलिमेंट पे क्या है 13 है, ठीक है, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, 17 पीछे चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, वर्क करेगा, राइट, ओके। अब आपका देखो, अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को इंडेक्स वेरिएबल एक्सेस करेगा, तो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 2 है, राइट,
टू क्या करेगा, जैसे मैंने अभी आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है, पहले 31 के साथ कंपेयर करेगा, देन 25 के साथ, देन 17 के साथ, देन 13 के साथ, ओके, एंड इन द एंड आपके पास शॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी फोर्थ इटरेशन के बाद, राइट. प्रोसीजर मैंने अभी आपको समझाया है कैसे ये वर्क करेगा, ओके. अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, यहाँ पे हम पहले एक ले लेते हैं आपका कमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट इन पाइथन, राइट. ओके, अरेंज लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट. एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लिस्ट लेंगे जिसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर से लिस्ट को एंटर करा लेते हैं. मैंने लिस्ट वेरिएबल लिया, इविल फंक्शन का यूज करेंगे, ओके. इनपुट, अब देखो इविल फंक्शन क्या करेगा, अगर आप लिस्ट की फॉर्म में डेटा दोगे तो लिस्ट की फॉर्म में इवेल्यूएट करेगा, टपल की फॉर्म में दोगे टपल की फॉर्म में इवेल्यूएट करेगा, राइट. तो जो भी आप जिस भी फॉर्म में आप इनपुट कराते हो उसी फॉर्म में वो उसको इवेल्यूएट कर देता है, राइट. तो यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर अनशॉर्टेड लिस्ट, ओके, अनशॉर्टेड लिस्ट. अब आप लिस्ट को एंटर कर दोगे, हमने क्या किया, एन वेरिएबल के अंदर लिस्ट की लेंथ को इनिशलाइज कर दिया है, फाइन, ओके. अब क्या करेंगे, अपना फोर लूप चलाएंगे, फोर इंडेक्स इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट इंडेक्स से चलेगा, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को आप जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है. अब यहाँ पे ट्रेवर्स करेगा, ये कमेंट में बता देती हूँ, फ्रॉम इंडेक्स वन टू, पूरा लिख देते हैं, ट्रेवर्स फ्रॉम इंडेक्स वन टू इंडेक्स एन माइनस वन, ठीक है, बिकॉज एंडिंग वैल्यू क्या होती है रेंज फंक्शन में, हमेशा माइनस वन होती है, राइट. ओके, अब हमने अपना करंट एलिमेंट दे दिया, करंट एलिमेंट आपका क्या है, करंट एलिमेंट हमारा जो भी इंडेक्स आपने अभी एक्सेस किया है, तो इंडेक्स अगर वन एक्सेस किया है तो इंडेक्स वन वाला आपका करंट एलिमेंट है, ओके. टू एक्सेस हुआ है तो इंडेक्स टू वाला आपका करंट एलिमेंट है, फाइन, ये मैंने आपको समझा दिया है. और पोजीशन भी आपकी क्या है, इंडेक्स, मतलब जो आपका करंट इंडेक्स आपने एक्सेस किया है, ठीक है. अब हम करेंगे वाइल, वाइल लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को इटरेट करेंगे, करंट एलिमेंट अगर आपका करंट एलिमेंट लिस्ट की पोजीशन माइनस वन, ओके, ये मैंने अभी आपको समझाया है. मान लो अगर आपका करंट एलिमेंट यहाँ पे अभी पोजीशन क्या है, वन है, वन माइनस वन दैट इज जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, और आपकी पोजीशन क्या है, जीरो से बिग है, राइट. तो फिर क्या होगा, लिस्ट की वन पोजीशन पे, क्योंकि अभी पोजीशन की वैल्यू वन है, आपने कौन सा एलिमेंट इनिशलाइज कर दिया, लिस्ट के जीरो पोजीशन वाला, पोजीशन माइनस वन, और जीरो पोजीशन वाला और पोजीशन वन वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके. देन पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन माइनस वन, राइट, ओके. और अगर ये वर्क नहीं करता तो हम क्या करेंगे, जो लिस्ट का एलिमेंट था उसकी पोजीशन एज इट इज रहेगी, फाइन, करंट एलिमेंट अपनी करंट पोजीशन पर ही रहेगा, फाइन, ओके. और अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट, चलो इटरेशंस भी हम शो कर देते हैं, इटरेशंस शो करने के लिए आप यहाँ पे कर दो प्रिंट लिस्ट, राइट, प्रिंट एंड देन यहाँ पे अगेन एक बार शॉर्टेड लिस्ट को कर देते हैं, शॉर्टेड लिस्ट इज
लिस्ट, राइट। इसको सेव कर लेंगे, सेव कर देते हैं ITERA, मैं इतना कर लेती हूँ, ठीक है, ITERA, ओके, यस, सेव, ओके। F5 किया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस लिस्ट का हमने एग्जांपल लिया था उसको ही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, 17, 25, 17, 31, 13 and 2, ओके, प्रेस एंटर। देखो अब यहाँ पे फोर इटरेशंस में आपके पास कंप्लीट शॉर्ट लिस्ट आ गई है, 2, 13, 17, 25, 31, देखो नंबर ऑफ इटरेशंस आर 4, ओके। अब अगर आपको इसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं यहाँ पे DS डिसेंडिंग में कर देती हूँ। डिसेंडिंग के लिए सिंपली आपको क्या करना है, करंट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन द पोजीशन विच इज़ बिफोर इट, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये साइन लगा दिया ग्रेटर देन का, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अब करेंगे F5, तो यहाँ पे देखो यही लिस्ट मैं डालती हूँ आपकी, 25, 17, 31, 13 and 2, राइट। इसको एंटर प्रेस किया, अब देखो फोर इटरेशंस में अरेंज होके आ गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, 31, 25, 17, 13, 2, राइट, फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ओके। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।